अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट आवर रिवीजन ऑफ मिड टर्म सिलेबस। एज़ यू नो दैट जो हमारा इंग्लिश का पेपर है वो रिमेनिंग था, तो जैसे ही आप स्कूल आओगे तो आपको डेट शीट के साथ बता दिया जाएगा कि किस दिन आपका पेपर है। तो उसके लिए हम अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको रिवाइज़ करेंगे और टैली करते जाएंगे। मैं आपको पेज नंबर बताती जाऊँगी तो आप देखते जाइएगा। द वेरी फर्स्ट इज पेज नंबर 17 ऑफ यूनिट नंबर 3, लेसन नंबर 3, एक्सरसाइज 2, ट्रैक द फॉल्स स्टेटमेंट्स विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इज विलियम वॉन्टेड टू कलेक्ट मनी सो दैट दे कुड गो टू द जू। फॉल सेकेंड, आंट एमली हैज़ बीन वेरी इल 2 years अगो। ट्रू। थर्ड, आंट एमली इंजॉयड ईटिंग एंड स्लीपिंग। ट्रू। फोर्थ, विलियम्स मदर सेड दैट ही कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज रूम ऑन संडे आफ्टरनून। ट्रू। फिफ्थ पे, द चिल्ड्रन केम फॉर द शो एंड नॉक्ड ऑन द फ्रंट डोर ऑफ विलियम्स हाउस। फॉल। सिक्स पे आ जाए, विलियम ब्रॉट द नोटिस फॉर आंट एमली आफ्टर द शो हैड स्टार्टेड। ट्रू। एक्सरसाइज नंबर 3, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स एंड वर्ड्स आर फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट। द वेरी फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ स्कूल बॉयज हु प्ले टुगेदर इज कॉल्ड अ डैश गैंग, GANG गैंग। Second, you can shoot wild animals if you have a dash and some dash. Bow, B-O-W, arrows, A-R-R-O-W-S. Third way, when you make somebody pay for a camel ride, you dash that person some money. Charge, C-H-A-R-G-E, charge. Fourth way, the opposite of a bad cold is a dash cold, slight cold. ठीक है, SLIGHT, slight. Fifth, a short sleep during the daytime is called a dash nap, N-A-P, nap. Sixth, if you pay to go into a museum, you pay an dash dash entrance fee, ENTRANCEFEE, entrance fee. Seventh pay, if a cat is angry, it dash you on the hand. Scratches, S dash में क्या आ जाएगा, blank में scratches, 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 scratches. Eighth pay, a person who is dash makes a loud noise while asleep. तो इसका क्या आ जाएगा, snoring, SNORING, snoring. Ninth, people who do not have their own teeth put dash in their mouth instead. तो क्या आएगा, false teeth. Okay, open your next page. Page number 20, year number 4, lesson number 1 and exercise number 2. Complete the dialogues with a little, a few and other words. तो यहाँ पे हमारे पास 1 to 6 डायलॉग्स हैं बॉक्स में, जिनमें करेक्टर ए और बी भी है. ठीक है, करेक्टर ए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स. बी, यस आई नीड फ्यू चिलीज. डैश में क्या आएगा, फ्यू. सेकंड पे ए, करेक्टर ए, डज इट टेस्ट गुड. बी, क्वाइट गुड इफ नीड्स इट नीड्स डैश मोर क्यूमन. अ लिटल, A L I
आ आ लिटिल है ना, तो ए को अलहदा से कर लें, इधर आपको थोड़ी सी स्पेस कम नज़र आएगी लेकिन आपने अपने वर्ड्स जो हैं उनमें स्पेस मेंटेन रखनी है। ए लिटल एल आई डबल टी एल ई लिटल, ठीक है, ऊपर से भी देख लीजिएगा। थर्ड पे करेक्टर ए, आई एम फीलिंग बेटर टुडे, आई एम फीलिंग बेटर टुडे मॉम। बी ओके आई विल ब्रिंग यू डैश फ्रूट अ लिटल, ठीक है। फोर्थ पे करेक्टर ए, कैन वी हैव अ पिकनिक मॉम। बी ऑफ कोर्स वी विल बाय डैश टोमेटोस अ फ्यू, ठीक है, इसमें अ फ्यू आएगा। करेक्टर फिफ्थ पे करेक्टर ए, व्हाट शैल वी टेक गार्ड सॉरी ग्रैन, व्हाट शैल वी टेक ग्रैन, लेट्स पिक डैश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन अ फ्यू, यहाँ पे भी अ फ्यू आ जाएगा। सिक्स्थ पे करेक्टर ए, वुड यू लाइक डैश मोर अ लिटल, ए ए के बाद स्पेस एल आई डबल टी एल ई लिटल। फिर करेक्टर बी, नो थैंक्स ग्रैंडमा आई एम फुल, ठीक है। ओपन योर पेज नंबर 26, योर नंबर 5, लेट्स चेक योर नंबर 5 लेसन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। द वेरी फर्स्ट इज मरियम वेंट इनटू द कंप्यूटर रूम एंड स्विच ऑन द डैश ऑन द वॉल, यहाँ पे बी आएगा पावर सप्लाई। सेकेंड पे शी मूव्ड द डैश अराउंड द पैड एंड क्लिक्ड ऑन द राइट बॉक्स, तो क्या आएगा इसमें ए माउस। थर्ड पे शी पुट हर फिंगर्स ऑन द डैश एंड बिगन टू टाइप द ईमेल, इसका क्या आएगा सी कीबोर्ड। फोर्थ देन शी टर्न्ड ऑन द डैश, शी वांटेड टू प्रिंट आउट हर ईमेल, यहाँ पे प्रिंटर आएगा, ठीक है। फिफ्थ पे फाइनली शी कनेक्टेड टू द डैश एंड सेंट ऑफ हर ईमेल, ए पे इंटरनेट। सिक्स्थ इट went down the phone line, Sarah found it in her dash the next day. B, inbox. Open your page number 33, your number 6, lesson number 5, and exercise number 2, mark the sentences true or false, ठीक है, false. The very first is, Father William once thought that headstands were bad for the brain. True. Second, Father William jokes that he has no brain in his head. True. Father William has lost a lot of weight. False. Fourth, the boy is surprised that Father William can still do gymnastics. True. Fifth pay, Father William has no sense of balance. False. Sixth pay, Father William agrees to answer all the boy's questions. False. Okay. Open your next page. Page number 37 of unit number 7, lesson number 3. Okay. Exercise number 4. Complete the sentences with words or phrases from the text. The very one is, on a sunny day, a tree is positioned between the sun and its own dash shadow, S-H-A-D-O-W, D-O-W, ठीक है? The second is, when you say something about a subject, you dash on it, remark, R-E-M-A-R-K, remark. Third, if you can do many things well, you have many dash talents, T-A-L-E-N-T-S, talents. Achha ji, fourth pe, a painting that is painted on a wall is a mural, M-U-R-A-L. Fifth pe, the water on the lake shone and dash in the sunlight gleamed, G-L-E-A-M-E-D, gleamed. Sixth pay, things that you
ऑन आर कार डैश पोजेशन, ठीक है, या स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं पोजेशंस, पी ओ डबल एस ई एस आई, सॉरी इसके स्पेलिंग जो है वो देख लेते हैं, हाँ जी देख लें ज़रा, पी ओ डबल एस ई डबल एस आई ओ एन एस पोजेशंस। सेवन्थ, अ ग्रुप ऑफ चिकन्स आर बर्ड्स इज कॉल्ड अ फ्लॉक, एफ एल ओ सी के फ्लॉक। एट्थ पे, अ डैश रूफ इज कवर्ड इन रेडिश स्क्वेयर्स ऑफ कुक्ड क्ले, सॉरी स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। नंबर एट्थ, अ डैश रूफ इज कवर्ड इन रेडिश स्क्वेयर्स ऑफ कुक्ड क्ले, तो यहाँ पे टाइल्ड आएगा, टी आई एल ई डी टाइल्ड। नाइन्थ, इफ़ यू ऑर्डर पीपल टू कम टू यू, यू डैश दैम समन, एस यू डबल एम ओ एन समन दैम। टेंथ पे, अ डायमंड इज अ डैश स्टोन दैट इज यूज इन ज्वेलरी, तो क्या आएगा इधर, प्रेशियस, पी आर ई सी आई ओ यू एस प्रेशियस। अलेवेंथ, अ थिंग दैट इज मोर एक्सपेंसिव एंड ब्यूटिफुल दैन यू नीड इज अ डैश लग्जरी, ओके बेटा हमने जो है अपना जो यूनिट नंबर सेवन है कहाँ से स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर थ्री से यूनिट नंबर सेवन तक जितनी भी अपनी ऑब्जेक्टिव है उसको थॉरली हमने रीड भी किया है और टैली भी कर लिया है। इसको आपने अच्छे तरीके से खुद भी टैली करना है और बड़े अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।